आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ डालगोनो कैंडी की रेसिपी। आप सभी जानते हैं ये स्क्विड गेम से बहुत ज्यादा फेमस हो गई है, पर इस कैंडी को घर में बनाना भी बहुत ही ज्यादा आसान है। मैं आप सभी के लिए इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट शेप भी लेके आई हूँ। ये कैंडी जो है सिर्फ दो चीजों से बन जाती है। इसका टेक्सचर भी देखिए, ये भी कितना ज्यादा अच्छा है। आप इसे घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम फटाफट से रेसिपी को शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मैंने एक प्लेट ले ली है, इस पे अब मैं थोड़ा सा तेल लगा दूंगी। ये देखिए, इस तरीके से अच्छे से हर जगह तेल फैला दीजिए। तेल लगाना इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आपकी जो कैंडी है वो बाद में चिपक जाएगी। और मेरे पास एक कुकी कटर है, इस पे भी मैं अच्छे से तेल लगा दे रही हूँ। ये देखिए, मेरे पास बहुत सारी वैरायटी के कुकी कटर्स हैं, इनमें भी बहुत अच्छे से तेल लगा लीजिएगा, वरना बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। अब मैंने एक पैन ले लिया है, अब मैं जो गैस है उसको ऑन कर ले रही हूँ। ये देखिए, गैस को मैंने एकदम लो फ्लेम पे ही रखा है, और आपको गैस के फ्लेम को एकदम लो पे ही रखना है। अब इसमें मैं 2 चम्मच शक्कर डाल रही हूँ। अब आपको शक्कर को एकदम लो फ्लेम पे अच्छे से पकाना है, जब तक कि शक्कर अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। शक्कर को बहुत ही अच्छे से हैंडल कीजिएगा, वरना आप बहुत ही ज्यादा बुरी तरह जल जाएंगे। और ये देखिए, धीरे धीरे इसका जो कलर है वो चेंज होता जा रहा है, और हमारी शक्कर भी अच्छे से पिघलती जा रही है। और ये देखिए, शक्कर अच्छे से पिघल चुकी है। इस स्टेज में अब मैं इसमें बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। मैंने सिर्फ 1 चुटकी बेकिंग पाउडर लिया है। अब जल्दी से गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए। इसका जो कलर है वो एकदम परफेक्ट है, इससे ज्यादा अगर आप इसको पका देंगे तो ये जलने लगेगी। अब इसे जल्दी से प्लेट में डाल दीजिए। अगर आप इसे जल्दी से उठा के प्लेट में नहीं डालेंगे तो जो आपकी शक्कर है वो जलने लगेगी, और आपकी कैंडी का टेस्ट भी बहुत ज्यादा कड़वा हो जाएगा। तो आप इसे जल्दी से उठा के इसमें डालिएगा। मैं स्पैचुला की हेल्प से इसको थोड़ा सा फैला दे रही हूँ। इसी तरीके से मैं बाकी सारी कैंडीज बना लूंगी। ये देखिए, इस तरीके से इसको अच्छे से प्लेट में डाल दीजिए। अब इसे आराम आराम से फैला दीजिए। अगर आप इसकी लेयर थोड़ी सी मोटी रखेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा क्रंची बनेगी, और बाद में आप इसके साइड्स भी बहुत आराम से काट सकेंगे। अब प्लेट को मैं इस तरीके से थोड़ा सा टैप कर लूंगी। अब मेरे पास ये लकड़ी की स्टिक है, मैं इसको इस तरीके से काट दे रही हूँ, और इसको इस तरीके से अच्छे से लगा दीजिए। थोड़ा सा इसमें अट्रैक्टिव लुक देने के लिए मैं इसमें स्प्रिंकलर्स डाल रही हूँ। अगर आपको इसमें स्प्रिंकलर्स नहीं डालना है तो आप इसमें मत डालिएगा। इसी तरीके से मैं दूसरी कैंडी भी रेडी कर लूंगी। अब मैंने एक कुकी कटर ले लिया है, इस पे मैं फिर से अच्छे से ऑयल लगा दे रही हूँ, ताकि ये बाद में चिपके नहीं। अब मैं इस तरीके से कटर को रख के इसको प्रेस कर दूंगी। अच्छे से इसको प्रेस कर दीजिए, और ये देखिए इसमें कितना अच्छा डिजाइन बन गया है। इसी तरह से मैं दूसरे कटर से इसमें शेप दे दे रही हूँ। अभी जो हमारी कैंडी है वो थोड़ी सी गर्म है, इसलिए आप इसका साइड का पार्ट आराम से निकाल सकते हैं। जरूरत लगे तो आप इसमें फिर से कटर लगा के इसको इस तरीके से प्रेस कर सकते हैं। अगर आपकी कैंडी की लेयर जो है वो थोड़ी सी मोटी रहेगी तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा चाकू की हेल्प से काट रही हूँ। आप भी इन्हें घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। मेरी फैमिली में भी ये सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। अब इसे आराम से चाकू की हेल्प से निकाल दीजिए, और ये देखिए हमारा शेप अच्छे से रेडी हो चुका है। साइड साइड में अगर थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब मैं बाकी कैंडी को भी इस तरीके से अच्छे से निकाल दूंगी। इसको अच्छे से ठंडा हो जाने दीजिएगा, तभी इसको निकालिएगा, वरना प्लेट में चिपक जाएगा। और ये देखिए हमारी कैंडी अच्छे से रेडी हो चुकी है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे कॉन्सेप्ट आपके लिए लाती रहती हूँ।